हाँ जी की क्लास है ना इसके बाद। उसमें तो आएंगे जो आज नहीं आते है ना, सुबह वाली क्लास में। इनको 1 घंटे पहले आने में जोर आता है ना इनको। साल में कितनी बार होता है क्लैट? एक ही बार होता है। 1 साल के लिए ये लोग 1 घंटा पहले नहीं उठ सकते। इनको लग रहा है कि कुछ नहीं आएगा, देखते हैं फिर क्या करते हैं। ये ट्यूबलाइट जला दो पीछे वाली नीचे। स्टार्ट करें, न्यूज़पेपर खोलो। देखो फर्स्ट न्यूज, कावेरी पैनल आस्क कर्नाटका टू इंश्योर फ्लो ऑफ वाटर फॉर तमिलनाडु। ये मैप देखो बोर्ड पे, ये स्टेट से नीचे साउथ की कावेरी रिवर देखो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, कर्नाटका से। ठीक है, जो ऊपर वाली स्टेट होती है जहां से फ्लो स्टार्ट होता है उसको हम अपर स्टेट बोलते हैं, और जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होती है उसकी उसको हम लोअर स्टेट बोलते हैं। तो पानी कहाँ ज्यादा आएगा? ऊपर वाले में देखो पानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो लोग कंजम्पशन कर लेंगे, फिर जो बचा कुचा वाटर है वो नीचे वाली स्टेट पे जाएगा। तो अब ये स्टेट के बीच में कॉर्डियल रिलेशंस होने चाहिए टू शेयर द वाटर। जब हम दूसरी कंट्री के साथ करते हैं उसके लिए भी अच्छी फ्रेंडशिप चाहिए होती है, तभी हम कर पाते हैं। तो अगर कावेरी वाटर का पानी नहीं पहुंचता तमिलनाडु में तो उनको क्राइसिस हो जाती है, वाटर क्राइसिस। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो पानी वहां तक पहुंचे। अब डिस्प्यूट क्या होता है, हर बार हर साल जब भी बारिश होती है ये पानी नीचे जाना चाहिए जो कर्नाटका नहीं भेजती है, कि हम लोग 80% खत्म कर देते हैं, हमारी कंजम्पशन नीड्स 80% है, 20% में तमिलनाडु के पास नहीं होता है फुलफिल। ठीक है, और ये देखो पिंक से इधर वेस्टर्न घाट्स हैं, उधर ईस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स क्या है? माउंटेन रेंजेस हैं कोस्टल के पास है। ठीक है, तो ये इससे कनेक्टेड है कि देखो एक साइड जैसे इधर से बारिश हो रही है तो एक साइड वेस्टर्न घाट्स की बारिश होती है, इधर साइड बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उधर देखो ईस्टर्न घाट के पास क्या है, तमिलनाडु, लेकिन कौन सी जगह पे है, इधर अंदर वाली जगह पे, तो यहाँ तो पानी नहीं आएगा। तो ना रेन से पानी आ रहा है ना कावेरी वाटर से आ रहा है, तो इसके पास पानी कहाँ से आएगा, ये डिस्प्यूट है। ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि कावेरी वाटर की कहाँ से निकलती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, लेफ्ट और राइट, बस। और डिस्प्यूट हमने समझ लिया, तो लिखो फर्स्ट पॉइंट कावेरी वाटर डिस्प्यूट। फर्स्ट इट इज सैक्रेड, इट इज सैक्रेड रिवर ऑफ सदर्न इंडिया, सैक्रेड रिवर ऑफ सदर्न इंडिया। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज पोनी इन तमिलनाडु, इट इज ऑल्सो नोन एज पोनी इन तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट, इट राइजेस ऑन ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। एंड देन फ्लोज इनटू ईस्टर्न घाट्स,
ईस्टर्न घाट्स, देन टू बे ऑफ बंगाल, देन टू बे ऑफ बंगाल थ्रू पॉन्डिचेरी। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज लिखो। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है जो मेन रिवर को कनेक्ट करती है, ठीक है? तो लेफ्ट बैंक लिखो, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। फर्स्ट, हाँ, वेस्टर्न घाट्स उसके पास ही है, ठीक है? तो बस ये याद रखना कि उधर ईस्टर्न घाट्स है, और ईस्टर्न घाट्स में जिस तरफ से बारिश हो रही है वहां पानी आता है, लेकिन दूसरी साइड नहीं आता, इसलिए तमिलनाडु के पास क्राइसिस है वाटर की। और कर्नाटक का भी पानी नहीं देगा तो क्या होगा, ड्रॉट आ जाएगा, इरिगेशन नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज देखो, हाईलाइटेड पोर्शन देखना। नेटो शिफ्टेड अटेंशन ईस्ट वर्ड्स बाय वेलकमिंग द लीडर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। अब देखो, यूएस इज इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? उसका अब डायरेक्शन कहाँ पे पहुंचा है, ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड चाइना के भी उधर। कौन सी चार कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया, ये इनके पास क्यों जा रहा है, क्योंकि उसका ट्रस्ट अब इंडिया से जा रहा है। अगर हमारे पास यूएस एज अ फ्रेंडली नेशन चला गया तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि यूएस अगर वहां से चला तो वो किसको कांटेक्ट करेगा, चाइना को, ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उसको अपनी इकोनॉमी चलानी है। अगर उसने चाइना के साथ हाथ मिलाया तो अपने पास कौन, एक इकलौता फ्रेंड कौन बचेगा, रशिया। और रशिया तो ऑलरेडी चाइना का फ्रेंड है, उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो इसमें ये डेवलपमेंट हुआ है कि सेंट एंथनी मिला उसको, मोदी जी को मिला, ठीक है? पुतिन ने दिया। उसके बाद क्या आर्ग्यूमेंट्स आए वर्ल्ड में कि जिसने वॉर स्टार्ट करी उसी के पास जाकर तुम एक तो मीटिंग कर रहे हो जिसके बारे में किसी को बताया नहीं, इट वाज अ सीक्रेट मीटिंग। जब पहुंच गए तब पता चला कि मोदी विजिट कर रहे हैं रशिया। उसके बाद पता चला उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, किससे ले रहे हैं वो, जिसने वॉर स्टार्ट करके इतने लोगों को मार दिया। और हम किस कंट्री से आते हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है? तो ये क्या इंप्रेशन डाल रही है, तो इट इज नॉट करेक्ट। यूएस ने क्या बोला है कि ये क्या स्टैंड था तुम्हारा कि हर समय तुम एक ऑटोनॉमी क्रिएट करते हो कि हमें किसी भी मैटर में कुछ बोलना नहीं है। इंडिया कभी भी कोई स्टैंड नहीं लेता, नेगेटिव नहीं जाता ना पॉजिटिव जाता है कि हम इस वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, बस वो ये बोलता है कि हम वॉर को रोकना चाहते हैं, ठीक है? तो वो बीच में रहता है। तो यूएस ने उसको बोला है कि अगर तुम हमेशा बीच में रहोगे तो तुम्हारे फ्रेंडली रिलेशन किससे स्ट्रांग होंगे, ठीक है? क्योंकि नेटो तो नहीं चाहता ना रशिया के पास जाओ, ये आर्टिकल है। नेक्स्ट देखो, डिक्लेरेशन फ्रॉम नेटो रिलीज ऑन वेंसडे कॉल्ड बीजिंग अ डिसाइसिव इनेबलर ऑफ रशियाज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन थ्रू इट्स सप्लाईज ऑफ डुअल यूज गुड्स सच एज माइक्रोचिप्स दैट कैन हेल्प मॉस्को'स मिलिट्री। यूएस ने चाइना को क्या बोला है कि चाइना इज द बिगेस्ट हेल्पर इन रशियन यूक्रेन वॉर। क्यों? क्योंकि वो
गुड्स भेज रहा है, बाकी सारी कंट्रीज से रशिया कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ भेज सकते हैं, हम तो सेमीकंडक्टर ही नहीं बना पा रहे, तो हम क्या देंगे उसको, तो कौन देगा? ताइवान, चाइना, ये सारी कंट्रीज उसकी हेल्प कर रही हैं। तो उसने बोला कि तुम चाइना और रशिया के बीच में रिलेशंस देखो, उसके बाद तो इंडिया को डिसाइड करना चाहिए था कि तुम्हारा बिगेस्ट राइवल चाइना जब रशिया की हेल्प कर रहा है और तुम फिर रशिया से क्या बोल रहे हो, दोस्ती बना रहे हो, ये क्या कॉम्बिनेशन है? तुम्हें चाइना पसंद नहीं है लेकिन तुम्हें रशिया पसंद है, और रशिया की वॉर क्यों चल रही है? चाइना की वजह से चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बीजिंग हिट बाय वार्निंग नेटो टू स्टॉप हाइपिंग अप द सो कॉल्ड चाइना थ्रेट एंड प्रोवोकिंग कॉन्फ्रंटेशन एंड राइवलरी। बीजिंग ने क्या, बीजिंग इज कैपिटल ऑफ चाइना, उसने क्या स्टेटमेंट दिया कि ये सब बकवास करनी बंद करो, हम कुछ हेल्प नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चाइना प्रेजेंट्स इटसेल्फ एज अ न्यूट्रल पार्टी इन द कॉन्फ्लिक्ट बट इट हैज हाउएवर ऑफर्ड अ क्रिटिकल लाइफलाइन टू रशियाज आइसोलेटेड इकोनॉमी। आइसोलेटेड इकोनॉमी मतलब वो किसी से ट्रेड नहीं कर पा रहा है, और चाइना ने भी क्या बोला है कि मैं एक न्यूट्रल हूँ, मेरा कोई वॉर में ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ना नेगेटिव है, मैं तो सिर्फ अपना ट्रेड चला रहा हूँ। ठीक है, तो तुम मुझ पे मत आओ, यूएस को बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट्स क्या है, इंटरनेशनली चल रही है। नेक्स्ट देखो, द यूएस हैज बीन पुशिंग इट्स यूरोपियन एलाइज फॉर इयर्स टू पे क्लोज अटेंशन टू द चैलेंजेस पोस्ड बाय चाइना। यूएस चाइना से क्यों डरता है? पॉपुलेशन बड़ी होती जा रही है, ठीक है, और अगर वो बड़ा हो गया तो डोमिनेशन किसका आएगा? चाइना का आएगा। ठीक है, और उसको वो नहीं चाहिए क्योंकि वो रहना चाहता है बिगेस्ट पावर, क्योंकि रशिया तो रास्ते में नहीं है अब, तो चाइना ही है, तो उसको नहीं चाहिए कि चाइना ऊपर आए। ये था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सैन फर्नांडो बिकम्स द फर्स्ट मदरशिप टू डॉक एट केरलास विंजिम पोर्ट। ठीक है, अब इसमें मदरशिप क्या होती है ये देखना जरूरी है, और ये जो पूरी हेडलाइन है दिस इज द न्यूज, तो ये तो तुम एज इट इज लिख लो कि ये पोर्ट केरला का है और सैन फर्नांडो फर्स्ट मदरशिप बनी है जो केरला में रुकी है इस पोर्ट पे। अब देखो, फोर्थ लाइन में जियामेन पोर्ट लिखा है चाइना, तो उस पर भी लिख लो कि ये पोर्ट चाइना में, तो अगर पोर्ट्स पे क्वेश्चन आए तो पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री का है। जियामेन पोर्ट हाईलाइटेड पोर्शन पे, फोर्थ लाइन, फोर्थ फिफ्थ लाइन। देखो, मदरशिप क्या होती है, मदरशिप मतलब बिगेस्ट ऑफ ऑल शिप्स। ठीक है, बेसिकली उसका रेफरेंस ही यही है। तो चाइना से शिप आई है ये जियामिन से, ठीक है, केरला में रुकी है। डॉक मतलब क्या होता है, रुक के अनलोड करना, फिर वहां से कुछ चीजें लोड करके कहीं और जाना। ठीक है, तो इट इज द बिगेस्ट डेवलपमेंट, और ये नाम कौन सा याद रखना है, सैन फर्नांडो। ठीक है, हाँ, मदरशिप का नाम है जो रुकी है, कहाँ से आई है, जियामिन पोर्ट ऑफ चाइना से, और कहाँ पे रुकी है, ये विंजिनम पोर्ट ऑफ केरला पे। नेक्स्ट न्यूज देखो, ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट देयर इज नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यूएस एम्बेसडर। यूएस ने जो कमेंट करा था विजिट पे, वो क्या है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो हमें ये वर्ड समझना है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हम इस पे अपनी पूरी चला रहे हैं जब तक हम इंडिपेंडेंट हुए हैं। स्ट्रेटेजिक मतलब दिमाग से कुछ चीज, ऑटोनॉमी मतलब अकेला रहना। हम कोई भी डिसीजन पे क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि हमारे पास कोई आए, क्योंकि हम इतने नहीं है स्ट्रांग, ऐसे देखा जाए तो हम लड़ नहीं सकते, हम मिलिट्री के कैपेबल नहीं है। अगर हम किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल रशिया के अगेंस्ट में बोल दिया, तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं आएंगे। यूएस के अगेंस्ट में बोल दिया तो हम बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। चाइना के अगेंस्ट में कन्फ्रंटली गए, वो हमें रोज बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश में मैं ये करूंगा ये करूंगा, हम कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं नहीं देते, हम सिर्फ ये बोलते हैं कॉन्फ्रेंस में कि हाँ ऐसा नहीं है, वो हमारा पार्ट है, हम नहीं देंगे। बट एक जो स्ट्रांग डिसीजन, जो राहुल गांधी भी डिमांड करता है कि तुम चाइना इशू पे कोई स्ट्रांग स्टैंड लो, वो हम नहीं लेंगे कभी भी, क्योंकि हमें एक इमेज क्रिएट करनी है कि इंडिया इज अ फ्रेंडली कंट्री। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब। तो यूएस के एम्बेसडर ने क्या बोला, ये जो तुम खेल रहे हो ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का खेल, ये बंद करो, एक स्टैंड लेना सीखो, ताकि तुम्हारी भी एक इमेज क्रिएट हो इन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंडिया होस्ट बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स एमिड रेजिंग म्यांमार क्राइसिस। म्यांमार के बारे में हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि
क्या क्राइसिस चल रही है वहां पे? वहां की पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी? मिलिट्री जनता। हाँ ठीक है, मिलिट्री जनता थी, उसके अगेंस्ट में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविस्ट की बन गई थी जो अब पावर में आ गई हैं। तो अब रेशियो कितना हो गया? 60-40। मिलिट्री जनता 40% पे आ गई, वो 60% पे। हमारे रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस किससे थे? मिलिट्री जनता से, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो अब क्राइसिस क्रिएट हो गई है कि अब हम 60% वाले को ही करेंगे, वरना हमारा ट्रेड कैसे चलेगा। बिम्सटेक का पार्ट है म्यांमार, ठीक है। बिम्स्टेक क्या है? आसपास की जो साउथ एशिया भी पढ़ेंगे, तो उसकी अब ये जो इन्होंने बिम्स्टेक की मीटिंग रखी है इंडिया में हो रही है, तो अब इसमें क्या है, म्यांमार एक तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि क्राइसिस चल रही है। अगर वो आ भी जाएगा तो हम किसको लीडर मानेंगे, वो एक्टिविस्ट ग्रुप को या मिलिट्री जनता को? अगर हमने मिलिट्री जनता को मान लिया तो म्यांमार हमसे रिलेशन तोड़ देगा, और अगर हमने दूसरे ग्रुप को मान लिया तो हम क्या करेंगे इनडायरेक्टली? दूसरे ग्रुप क्या है, एक्टिविस्ट का ग्रुप है, वो लोगों को मार रहा है, तो हम वायलेंस को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर देंगे कि हमने इकोनॉमी को प्रायोरिटाइज कर दिया और हमने इग्नोर कर दिया कि वो कितनी बुरी स्टेट में अपनी कंट्री को रख रहा है, ठीक है। ये है क्राइसिस। अब इसमें हम पढ़ेंगे बिम्स्टेक के बारे में, तो लिखो। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी कंट्रीज लिखना, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड और नेपाल। कब फॉर्म हुआ था? 1997। अच्छा, अब इसका नाम पहले बिम्स्टेक नहीं था, ठीक है, कुछ कंट्रीज बाद में आई हैं, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये याद रखना कि म्यांमार को बाद में ऐड करा गया था, ठीक है। अभी इसका पार्ट है, कौन से डिक्लेरेशन से स्टैब्लिश हुई थी? बैंकॉक डिक्लेरेशन से, ये लिख लो। इट वॉज स्टैब्लिश बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, हो गए 7 है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। हमारा पर्पस क्या है ये बनाने का, बिम्स्टेक ये क्यों बनाई, क्यों बनती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, G20, सार्क, एशियान, ये क्यों बनी है? नहीं, ये तो अपने आप डिसाइड करने की बात है। नेटो का अलग रोल है, बिम्स्टेक का अलग है। बिम्स्टेक हो, ऐसा होता है कि पास पास की कंट्रीज को आपस में मिलके रहना चाहिए, ठीक है। बिम्स्टेक इसी पर्पज से बनी थी, ठीक है, वो डिफेंस विफेंस का कुछ नहीं है उसका। उसका ये है कि हम अपनी कंट्रीज को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, हम एक दूसरे की इकोनॉमी को बचाएंगे। अगर इन द टाइम्स ऑफ नीड कल म्यांमार डूबता है तो हम पहले हेल्प करेंगे। श्रीलंका इसका पार्ट है, हम उसको क्यों ह्यूमैनिटेरियन एड और इकोनॉमिकली एड देते हैं? क्योंकि वो हमारा पार्ट है, हमें क्या मतलब है, वो तो आइलैंड है ना, इनडायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है इंडिया से। अगर वो हट भी जाता है कल से, एक ब्रेक ही तो करना है, हट जाएगा, अपनी इकोनॉमी अपने आप संभाल। लेकिन नहीं, होता है कि हमारे आसपास की कंट्रीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर एक बिग कंट्री पास में है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में भी हर छोटी कंट्री में वायलेंस चलती है, ठीक है, बट जो बिगेस्ट जैसे केनिया है, ये ध्यान रखती है अपने आसपास का। भले ही वहां पे रोज मिलिट्री के कू चलते हैं, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोग उसको हेल्प करें। नेक्स्ट न्यूज देखो, रोबोट टैक्स की बात हुई है। 23 को जब बजट आएगा तो ये डिमांड है कि रोबोट टैक्स को लाया जाए। अब कैसे? जिनकी जॉब्स चली गई हैं ड्यू टू एआई, ठीक है, एआई आ गया है तो कुछ जॉब्स रिप्लेस हो गई हैं, तो उनको बोला गया है कि रोबोट टैक्स क्या होगा, जिनकी जॉब्स चली गई हैं उनको बेनिफिट देने के लिए तो रोबोट टैक्स लगाएंगे जो एआई ने रिप्लेस कर दी है। समझ में आई? जैसे कोई जॉब है, जैसे कंटेंट राइटिंग है, एआई वो चीज कर रही है, बट जो इंसान वहां बैठा था उसकी नौकरी चली गई है, तो उस पर रोबोट टैक्स लगेगा कि जो तुम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अब तुम्हें उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि एआई कर रही है, ना कि कोई ह्यूमन बींग कर रहा है। तो ये डिमांड है इसके बारे में, सिर्फ यही, अब सिर्फ यही पता करो कि रोबोट टैक्स क्या है, क्योंकि अगर बजट में आ गया
तो इम्पोर्टेंट होगा, अभी सिर्फ डिमांड है। नेक्स्ट देखो, इंडियन शिप क्रू विंस एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड्स फॉर रेड सी रेस्क्यू। रेड सी में क्या इश्यू चल रहा था? रेड सी कहाँ है? वेस्ट में इसराइल के पास थी, मेडिटेरियन रेड सी पड़ा था। क्या वहां पे चल रहा है? क्यों? हाँ, जितनी भी शिप्स आ रही है उसको रोक रहे हैं। क्यों? कौन रोक रहा है? टेररिस्ट ग्रुप्स। हूती रेबल्स कहाँ के हैं? ईरान से आते हैं। ठीक है, लेबनन में क्या नाम था टेररिस्ट का? हेजबुल्ला ग्रुप। ईरान वाले, सॉरी इसराइल वाले, हमास। ठीक है, तो ये सारे मिलके शिप्स को रोक रहे हैं कि हमें ट्रेड नहीं जाने देना है, क्योंकि देखो रेड सी से कहाँ जाएंगे? मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी किससे कनेक्टेड है? इसराइल के कनेक्टेड है, वेस्टर्न साइड में। तो वो रोक रहे हैं, हमारी भी शिप्स जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उन्होंने वो भी रोकी थी, बट हमने क्या करा? ब्रेवरी से अपनी सारी शिप्स को लाए हैं और कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, तो हमें ब्रेवरी अवार्ड मिला है। तो देखो, फर्स्ट कैप्टन रावत एंड हिज क्रू वर डिक्लेयर्ड विनर्स बाय द IMO, दैट इज इंडिया, क्या है, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ऑन वेंसडे फॉर द डिटर्मिनेशन एंड एंडोरेंस डेमोन्स्ट्रेटेड वाइल कोऑर्डिनेटिंग फायर फाइटिंग एंड डैमेज कंट्रोल एफर्ट्स टू कॉम्बैट अ फायर दैट ब्रोक आउट आफ्टर एन एंटी शिप मिसाइल रिपोर्टेडली फायर्ड बाय इरानियन बैक्ड हूती रेबल्स स्ट्रक देयर वेसल्स मार्लिन लुआंडा अर्लियर दिस ईयर। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? IMO के बारे में देखना कि इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या है। हेडिंग डालो, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट, इट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग, इंटरनेशनल शिपिंग। एंड टू प्रिवेंट पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। अच्छा, शिप्स से पॉल्यूशन किस किस तरीके से हो सकता है? ऑयल स्पिल कैसे होता है? देखो, जब लोड करते हैं, ठीक है, अगर ऑयल्स है उसमें, ऑयल स्पिल बेसिकली यही है कि अगर हम ऑयल कैरी कर रहे हैं, अगर वो स्पिल हो जाता है, वो जो हो गई, क्योंकि इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उससे तो पॉल्यूशन होता है। ऑयल फ्लोट करता है वाटर पे, नीचे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं नीचे पहुंचेगी, वो मर जाएंगे। वो मरेंगे, उसके बाद क्या होगा? गंदगी होगी, जिसकी वजह से पॉल्यूटेड वाटर होगा। ये है ऑयल स्पिल। सेकेंड, बैलेस्ट वाटर के बारे में सुना है? देखो, शिप होती है, उसके नीचे का ऐसा पार्ट होता है, उसमें उसमें क्या होती है, वैक्यूम, पानी भरा होता है। क्यों भरा होता है? ताकि शिप्स का लोड नीचे वो सिंक नहीं हो, है ना? उसके अंदर बैलेस्ट वाटर है। अब उसको ऑल टाइम तो भरा नहीं रह सकते, तो उसको निकाल के दूसरा पानी भरना होता है। ठीक है, अब वो दूसरा पानी जब भरते हैं, तो वो जो ऑलरेडी गंदा पानी है, वो कहाँ जाएगा? रिवर्स में, ओशंस में जाएगा, वो भी गंदा करती है। ठीक है, और ये जब चल रही है, एक्वेटिक वाले मरते ही हैं। अब वो मर रहे हैं, अपने क्या बोलते हैं, कोरल्स होती है, वो पेड़ पौधे, फॉन्स होते हैं, ये सब डैमेज हो जाते हैं। अगर ये मरते हैं तो खाना नहीं मिलता। एक्वेटिक एनिमल्स का कुछ कुछ का खाना यही है, वो ये लोग खाते हैं। ठीक है, ये चीजें खाते हैं, तो ये सारी चीजें पॉल्यूशन कराती है। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, इट इज अ ग्लोबल, इट इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, स्टैंडर्ड अथॉरिटी विच टेक्स केयर, विच टेक्स केयर ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग एंड क्रिएट्स अ फ्रेमवर्क, क्रिएट्स अ फ्रेमवर्क फॉर शिपिंग इंडस्ट्री विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड।
कर देंगे। इसका भी देखना पड़ेगा क्या सिस्टम है। तुम जो ड्रॉपर्स हो प्लीज ध्यान रखो, 1 साल वेस्ट हो जाएगा अगर तुम अब सीरियस नहीं हो। सिर्फ 5 महीने बचे हैं, और मैं सही में बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो ड्रॉप ईयर्स में यूं ही करते हैं, हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। क्लैट कोई इजी नहीं है, अपनी पॉपुलेशन देख लो, सब वो सीट के लिए लड़ रहे हैं। प्लीज पढ़ाई करो, और न्यूज़पेपर से बहुत चीज आएंगी। तुम्हारा 25% पेपर आएगा वहां से, तुम्हारी रीजनिंग क्वांट में बहुत दिमाग खराब होगा। तुम्हारे पास सबसे सेफ ऑप्शन है कि तुम इन पे जाओ, क्योंकि अगर रीजनिंग का तुम एक क्वेश्चन गलत कर दोगे तुम्हें पता है कि कितने मार्क्स जाते हैं। क्वांट में हर क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएगा, तो तुम दिमाग से निकाल लो कि यहाँ जो पढ़ रहे हो उसका एडवांस लेवल वहां आएगा। समझ रहे हो? तो तुम समझो कि हमारे पास इजी पॉइंट्स क्या है। हम इंग्लिश को क्रैक कर सकते हैं, हम करंट अफेयर्स जीके कर सकते हैं, तुक्का भी लगा सकते हैं। हमको थोड़ा आइडिया होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अब बनी है तो इसके बाद शायद ये बनी होगी। अब इतना तो ध्यान है ना कि नेटो बाद में ही बनी होगी यूएन के, किसी को नहीं भी आता होगा तो इतनी अक्ल है उसमें कि नेटो अभी चल रहा है तो यूएन के बाद ही एस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, तो डेट्स वेट्स ये सब पढ़ो यार प्लीज, वरना फिर कुछ नहीं, नेक्स्ट ईयर भी मैं ही पढ़ाऊंगी, यहाँ पे ही मिलेंगे। नहीं ये तो इसमें और क्या क्वेश्चन आएगा, इसमें यही मेन है, मैं जो लिखवा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, मैं बाकी सारी चीजें नहीं लिखवा रही। क्या क्वेश्चन बनेगा? कावेरी वाटर कहाँ से निकलती है, ये बनेगा। ओरिजिन पॉइंट क्या है, और क्या बनेगा उसकी, ये ट्रिब्यूटरीज के नाम दे सकते हैं वो कि किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, या फिर ये बताओ कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो इसका भी ओरिजिन पॉइंट यही होगा क्योंकि मेन रिवर से ही कनेक्टेड होता है। और कावेरी रिवर की लेफ्ट बैंक कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है। हम सारी रिवर्स नहीं पढ़ सकते, पढ़ना भी मत, जो न्यूज में बस वही इंदस विंदस गंगा ये सब तो ध्यान होगी। गंगा का सिस्टम पढ़ लेना, वो रुद्रप्रयाग मैं पढ़ा दूंगी जीके क्लास में, वो इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से प्रयाग में कौन कौन सी नदियां आती हैं। ठीक है, वो इजी है, वो तो 5 पॉइंट का ही है।
स्टार्ट करें। बस अब साइलेंस। स्कीम्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे? मिनिस्ट्रीज पूछी जाएंगी, मेन जो विमेन रिलेटेड है उसमें एज ग्रुप्स पूछे जाएंगे, प्लस उसमें मेन टारगेट कौन से वनरेबल सेक्शंस हैं। ठीक है, फर्स्ट मिनिस्ट्री लिखो। देखो नोट्स कैसे बनाओगे, पहले मिनिस्ट्री लिखना, उसमें ये इंपॉर्टेंट सारे लिख लेना। लास्ट में अगर रिविजन करते टाइम पूरा नहीं पढ़ पाओगे, एटलीस्ट ये पता होगा ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है। ठीक है, तो पहले ये लिख लो, फिर डिटेल्स लिखेंगे। और फटाफट लिखो, 35 मिनिस्ट्रीज पढ़नी है, अंडर विच स्कीम्स पढ़नी है 3-4। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस स्कीम्स अलग से पढ़नी है, और जो न्यूज में आएंगी उसको ऐड करना। ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कम से कम 25 या 30 है, लेकिन अपन सिर्फ 3-4 पढ़ेंगे जो न्यूज में 1 साल से। वो लास्ट में जीडीएस, गुजरात डिक्लेरेशन। हो गया, फर्स्ट देखेंगे मिशन उत्कर्ष। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ, नहीं नहीं दो दो तीन तीन पॉइंट है ये, तो इसलिए लिखवाया है कि लास्ट में तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे रजिस्टर पूरा, तो ये याद रखना कौन से मिनिस्ट्री के अंदर। अब नेक्स्ट उसमें लिखते जाओ एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट है स्कीम के, तो इसके नीचे लिखते जाओ। तो फर्स्ट इट आ जाएंगे तो लिख लो, इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आयुष एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स एम इज टू मेक इंडिया अनेमिया फ्री, अनेमिया फ्री। अनीमिया फ्री, अनीमिया में क्या होता है, इट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी तो सब में होती है जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। इसमें खून की कमी हो जाती है। ठीक है, खून की कमी और किस में ज्यादा प्रेवलेंट होती है, विमेन एंड चाइल्ड में। इसलिए इसकी जो सब्सिडरी मिनिस्ट्री है वो चाइल्ड डेवलपमेंट है, बट इसकी पेरेंट कौन सी है, आयुष। नेक्स्ट टारगेट ग्रुप, टारगेट ग्रुप ऐसे लिखना, एम फिर उसका एम लिखेंगे, टारगेट ग्रुप लिखो, एडोलेसेंट गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स।
एडोलेसेंट गर्ल्स, टीन एज वाली गर्ल्स, क्या एम एडोलेसेंट गर्ल्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ, ब्रैकेट में लिखो 14 to 18 years. ठीक है, 3 पॉइंट हो गए. नेक्स्ट पे आओ, स्मार्ट 2.0. 2.0 तो इसकी एक फर्स्ट भी होगी, तो वो स्मार्ट थी, वो 2023 की थी, नॉट इम्पोर्टेंट. ये 2.0 24 में आई है. ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन साइंसेस. इट इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच स्मार्ट 2.0 इज देयर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज टू प्रमोट क्लिनिकल स्टडीज इन द एरियाज ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा विद आयुर्वेदा अकेडमिक. ठीक हाँ ये याद रखना, स्मार्ट 2.0 2024 की स्कीम है, और स्मार्ट मतलब इससे जो पहले आई थी वो 2023 की है. ठीक है, बस नेक्स्ट पे, आयुर्वेदा ज्ञान नायपुण्य इनिशिएटिव, अग्नि स्कीम. अग्नि इज ऑल्सो मिलिट्री इक्विपमेंट, तो उससे अलग रखना इसको. ठीक है, उसमें आए तो मिलिट्री का पार्ट है, ये अग्नि स्कीम है. इम्प्लीमेंटेड बाय सेम बॉडी जो ऊपर लिखी थी, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, तो CCRAS लिख दो. इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस. नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा टू फॉर रिपोर्टिंग देयर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, रिपोर्टिंग देयर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस इन वेरियस डिजीजेस कंडीशन. पूरा बोल रही हूँ, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स फॉर रिपोर्टिंग देयर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस इन वेरियस डिजीज कंडीशंस. कौन सा पॉइंट रह गया? ये वाला, प्रैक्टिशनर्स फॉर रिपोर्टिंग, प्रैक्टिशनर्स फॉर रिपोर्टिंग देयर इनोवेशन प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस इन वेरियस डिजीजेस. ठीक है, इसका मेन एम दोनों आयुर्वेदा से रिलेटेड है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. देखो, हर डॉक्टर एलोपैथी में नहीं जाता, जो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. अगर उनको क्योर मिलता है तो अग्नि के अंदर वो लोग गवर्नमेंट को दे सकते हैं, और वो क्या करेगी, पब्लिक डोमेन में डाल देगी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसका इंपॉर्टेंट है, इट इज टू रिपोर्ट, इट इज टू रिपोर्ट एविडेंस बेस्ड, इट इज टू रिपोर्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अमंग आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अमंग आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स.
नेक्स्ट देखो क्या है, फर्स्ट WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुई थी गुजरात डिक्लेरेशन के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय, आप ये मत लिखना, नेक्स्ट मिनिस्ट्री से लिखना, इनके इसके नोट्स ले लेना, ठीक है। इट इज होस्टेड बाय WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसका एम क्या है, यही है फर्स्ट वाला जो सेकंड में था ना, कि आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, तो मत लिखो, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट, हो हाँ गए चारों। नेक्स्ट लिखो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कोई पॉइंट मिस हो तो बोलना, मैं रिपीट कर दूंगी, बट मिस मत करो पॉइंट्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्कीम देखो, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इससे क्या समझ में आ रहा है, डिकोड करो इसका जो नाम है उसको, सॉइल की हेल्थ, ठीक है, क्या मतलब है, अगर सॉइल की हेल्थ अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, तो ये सारी रिपोर्टिंग करनी है, कौन करता है, जो एजुकेटेड होते हैं, किसको प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन, फार्मर्स को, कि इस मिट्टी में ये उगाना चाहिए, ठीक है, तो किसके अंडर होता है, इनको एक कार्ड मिलता है, उसके अंदर सिर्फ सॉइल की हेल्थ नहीं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। ये स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी, बट अभी तक चल रही है, ठीक है, तो इट इज लॉन्च्ड इन 2015, फर्स्ट पॉइंट, इट इज लॉन्च्ड इन 2015 अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, लॉन्च्ड इन 2015 अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज टू एड स्टेट गवर्नमेंट्स, इट इज टू एड AID स्टेट गवर्नमेंट्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉइल हेल्थ कार्ड्स, इन डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉइल हेल्थ कार्ड्स टू ऑल द फार्मर्स, टू ऑल द फार्मर्स अक्रॉस द नेशन, टू एड स्टेट गवर्नमेंट्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉइल हेल्थ कार्ड्स टू ऑल फार्मर्स अक्रॉस द नेशन। नेक्स्ट पॉइंट, द कार्ड विल बी इशूड वंस इन 2 ईयर्स, द कार्ड विल बी इशूड वंस इन 2 ईयर्स। क्यों ऐसा होता है कि 2 साल में एक बार कार्ड, चलाओ दिमाग चलाओ, ऐसा क्यों होता होगा, सॉइल 2 साल में उसकी कंडीशन चेंज होगी, ऐसा तो नहीं, एक बार सॉइल हमने देख ली तो 2 साल में रिवीजन होता है उसका, कि सॉइल में वीट उगा लिया उसके बाद उसकी क्या स्टेट है, अब क्या उग सकता है उसमें, इसलिए 2 साल में रिन्यू करते हैं कार्ड में, फिर बताते हैं कि ये क्रॉप्स उगाओ, ठीक है। नेक्स्ट में आओ, इसमें और कोई पॉइंट नहीं है, क्या है ये, PMFBY वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, फुल फॉर्म फसल बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा इज व्हाट, इंश्योरेंस, फर्स्ट पॉइंट, इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दो तरीके की स्कीम्स बताई थी, स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, डिफरेंस, स्पॉन्सर्ड मतलब हम कुछ पैसा देंगे स्टेट्स को, सेंट्रल सेक्टर मतलब सारा जो लोड है पैसा वो सेंटर उठाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज टू सपोर्ट फार्मर्स
बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल इट इज टू सपोर्ट फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस फॉर बोथ प्री सोइंग एंड पोस्ट सोइंग सोइंग मीन्स उगाना ठीक है प्री एंड पोस्ट सोइंग अगर उगाने से पहले तुम्हारी बारिश में मिट्टी खराब हो जाती है तब भी हम तुम्हें इंश्योरेंस देंगे पोस्ट मतलब सब फसल बेकार हो गई उसके बाद तुम्हें कोई लॉस हुआ है तो भी इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं तो ये इसका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर अब दिमाग लगा के बताओ 100% इंश्योरेंस मिलता होगा कि कुछ परसेंटेज मिलता होगा कुछ कुछ परसेंटेज सेंटर इतना लोड नहीं उठा सकती तो देखो खारिफ क्रॉप्स पे 2% 2% ऑन खारिफ क्रॉप्स 1.5 ऑन रबी क्रॉप्स 5% क्रॉप्स में 5% हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स 5% हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ठीक है प्रीमियम क्वालिटी का होता है क्योंकि ये प्रीमियम सेक्शन होता है खैरिफ में 2% रबी में 1.5 एंड 5% ऑन हॉर्टिकल्चर्स ठीक है ठीक है इसके दो प्लेटफॉर्म्स हैं टेक्नो तो लिखो हेडिंग डालो टेक पोर्टल्स टेक पोर्टल्स अंडर दिस फर्स्ट इज यस टेक ठीक है सेकंड इज विंड्स पोर्टल लेस चांसेस टू कम इन एग्जाम बस ये याद रखना कि इसके पार्ट है विंड्स पोर्टल तो नाम से पता चल रहा है वेदर कंडीशंस का ध्यान रखता है वो फार्मर्स को बताता है और यस पोर्टल में वो लोग सॉइल का एग्जामिनेशन करते हैं ठीक है जिसके ऊपर उनको इंश्योरेंस मिलेगा नेक्स्ट नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल आज एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल है एडिबल ऑयल्स का इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा है हम लोग एडिबल ऑयल कहाँ कहाँ यूज करते हैं एक तो खाने में यूज होता है और सबसे ज्यादा ऑयल कौन सा यूज होता है जो नहीं करना चाहिए हार्मफुल फॉर हेल्थ पाम ऑयल ठीक है तो हम लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि हम लोग ऑयल की सारी डिमांड्स पूरी कर पाए क्योंकि ऑयल इज बेसिक कंजम्पशन नीड और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए हम बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एडिबल ऑयल इम्पोर्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट लिखो इट वॉज स्टार्टेड इन 2007 थर्ड वाला नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखना इंपॉर्टेंट है ठीक है 2007 इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सॉरी 2007 नहीं 2021 तो ये बेसिकली कौन से ऑयल से कनेक्टेड है पाम ऑयल से ठीक है बट अभी ये इस पे क्वेश्चन उठेंगे बिकॉज पाम ऑयल पे डिसीजन आया है कि तुम यूज नहीं कर सकते लेज और ये सारी कंपनीज को इश्यू करा है नोटिस कि तुम पाम ऑयल की जगह सनफ्लावर या फिर सोयाबीन ऑयल यूज करो ठीक है नेक्स्ट आ जाओ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कॉमा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कॉमा फूड कॉमा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन
कौन सी है ये पीएम, गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्न फूड, ठीक है, गरीब कल्याण अन्न योजना, ANN, अन्न योजना, स्टार्टेड इन 2020, एक्सटेंडेड टिल 2028, स्टार्टेड इन 2020, एक्सटेंडेड टिल 2028, ट्वेंटी 20 से एक्सटेंड कर दी गई 2028 तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, इट इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अफेक्टेड बाय पैंडेमिक। अब पता चले ये 8 साल के लिए क्यों है, क्योंकि जो लोग पैंडेमिक से अफेक्ट हुए हैं सिर्फ उनके लिए ही है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब इसमें कौन सी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी लिखो और फिर लिखना पॉइंट फर्स्ट, फैमिलीज बिलोंगिंग टू, फैमिलीज बिलोंगिंग टू प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स, प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स, कॉमा, अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, जो अन्नपूर्णा स्कीम है जो खाना देती है गरीब लोगों को 3-4-5 रुपए में, वो इसके अंदर होते हैं, तो अंत्योदय अन्न योजना, AAY, ये पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं, बीपीएल होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये उनसे भी गरीब होते हैं, ठीक है, ये लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते खाना, इसलिए इनको 3-4 रुपए में खाना मिलता है, बहुत सारे अन्नपूर्णा के स्टॉल्स और ये लगते हैं, वो इनके लिए होते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स मतलब जिनकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इन द सेक्शन, ठीक है, ये एंड विडोज, इसमें विडोज इंक्लूडेड है, टर्मिनली इल पर्संस, टर्मिनली इल पर्संस, डिसेबल्ड पर्संस, ऑल प्रिमिटिव ट्राइबल पीपल, ऑल प्रिमिटिव ट्राइबल पीपल, कॉमा, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, कॉमा, पुअर क्राफ्ट्समैन, पुअर क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, इट इज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर निर्भर भारत, अच्छा पीडीएस सिस्टम कल पढ़ा था, कितने केजीज ऑफ मिलता है, 3-4, ठीक है, बट इसके अंदर 5-5 केजी मिलेगा, जो पीडीएस में लोग अनाज ले रहे हैं वीट और राइस, उसके एडिशन में इसमें भी मिलता है, ठीक है, तो उनके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्रीन्स होती है, तो इसमें लिखो 5-5 केजीज ऑफ ग्रीन्स आर अलॉटेड टू द सेक्शंस, 5-5 केजीज ऑफ फूड ग्रीन्स आर प्रोवाइडेड टू सेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, ई जागृति पोर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज टू ऑफर, ई जागृति पोर्टल, इट इज टू ऑफर एफिशिएंट, इट इज टू ऑफर एफिशिएंट कॉमा स्पीडी, स्पीडी एंड इकोनॉमिकल सॉफ्टवेयर,
सॉल्यूशंस फॉर एफिशिएंट स्पीडी एंड इकोनॉमिकल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर रिजॉल्विंग कंज्यूमर डिस्प्यूट्स अक्रॉस ऑल लेवल्स टू ऑफर एन एफिशिएंट स्पीडी एंड इकोनॉमिकल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर रिजॉल्विंग कंज्यूमर डिस्प्यूट्स अक्रॉस ऑल लेवल्स. नेक्स्ट पॉइंट, दिस पोर्टल सर्व्स एज सेंट्रल हब HUB हब फॉर कंज्यूमर कमीशंस टू इंटीग्रेट वेरियस ग्रीवांस प्लेटफॉर्म. ग्रीवांसेस मतलब लोगों की शिकायतें, ठीक है. तो ये कैसे काम करता होगा पोर्टल? पोर्टल पे जाओ, फीस पे करो, अपनी कंप्लेंट डालो, फिर वो लोग एड्रेस करते हैं, तुम्हारा जो कॉम्पेंसेशन होगा तुम्हें वापस मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैकडी में अभी केस हुआ था 2-3 साल पहले, कुछ इंसेक्ट आ गया था, उसको पूरा शट डाउन हो गया था, फिर वो दोबारा रिन्यू होगा. उसमें इन्होंने रीजन क्या दिया था कि हम रेनोवेट कर रहे हैं, बट सबको पता है कि कंज्यूमर की डिमांड थी इसलिए ये बंद हुआ था, ठीक है. नेक्स्ट, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इट इज अंडर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019. क्या काम होगा इसका? कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना. तो नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज स्टैब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर. नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. ये लिख लो, इट विल हैव अ चीफ कमिश्नर एज अ हेड. चीफ कमिश्नर एज अ हेड प्लस टू कमिश्नर्स. चीफ कमिश्नर एज अ हेड प्लस टू कमिश्नर्स. नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ये लिखो, रोटेप, इसका फुल फॉर्म रेमिशन ऑफ, शॉर्ट फॉर्म भी लिखना, ठीक है. रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स. लॉन्च्ड इन 2021, लॉन्च्ड इन, फुल फॉर्म दोबारा बोलो, लिख लिया, बोलो दोबारा. रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स लॉन्च इन 2021 एक्सटेंडेड टिल 2024, इसलिए इंपॉर्टेंट है. इट इज असिस्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. असिस्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू 2021 से 2024 एंड इट इज असिस्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसकी मिनिस्ट्री में है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में. वो यहाँ क्या कर रहा है? नाम से पता करो कि क्या मतलब है. रेमिशन मतलब खत्म करना. एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे देंगे. एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे कैसे? जो आइटम्स हमने, एक और इसकी बताना कौन सी स्कीम पड़ी थी, इससे रिलेटेड थी वो, उस
के ही पेरेंट है ये। देखो जो एक्सपोर्ट जो आइटम्स बन रहे हैं जो एक्सपोर्ट होंगे उस पर ड्यूटीज और टैक्सेस हमारी कंट्री ने लगाएंगे, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा उनका पैसा बचे और फिर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा। ऐसी एक स्कीम पड़ी थी 3 दिन पहले, क्या नाम था उसका, इंसेंटिव स्कीम, हाँ दूसरी, करंट अफेयर्स पढ़ना, मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिप्लेस्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ब्रैकेट में MEIS, MEIS एंड रिबेट ऑफ स्टेट्स, रिबेट ऑफ स्टेट्स एंड सेंट्रल टैक्सेस, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज, लेवीज इज ऑल्सो काइंड ऑफ टैक्स, LEVIES एंड लेवीज, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, ROS। शॉर्ट फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी ऐसे याद आते, तो इसका पूरे का लिखो ROSCTL। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नोटिफाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, अब ये काम कैसे करते हैं, देखो प्रोडक्ट्स बनते हैं, अब प्रोडक्ट्स कितने सारे बनेंगे, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बाय हैंड काम करती है, वो लोग पे करते हैं इनिशियली, बट वो लोग एक एप्लीकेशन देते हैं कि हमने ये करा है, इसका इतना अमाउंट है, हमको रिफंड मिल दिया जाए इस स्कीम के अंदर, तो वो रिफंड आ जाता है अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो उन्नति स्कीम, इसका फुल फॉर्म लिखो, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव और ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव और ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम लॉन्च्ड इन 2024, लॉन्च्ड इन 2024 एंड एक्सटेंडेड टिल 2034, 10 साल की स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर पूर्व मतलब क्या हुआ, हाँ कौन सी डायरेक्शन हुई, नॉर्थ ईस्ट के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टू जनरेट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, टू जनरेट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, टू जेनरेट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, टू बूस्ट इट इकोनॉमिकली, नेक्स्ट पॉइंट, इट्स इंप्लीमेंटिंग बॉडी, इंप्लीमेंटिंग बॉडी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन
इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो न्यूज में आता है कभी कभी, पढ़ते हो तो पता चलेगा, DPIIT ये बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में एक और हमने न्यूज में एक चीज पढ़ी थी, कौन सा, लैंग्वेजेस से रिलेटेड, क्या था वो, क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक है, उसमें 6 लैंग्वेजेस पढ़ी थी। कौन सी है लेटेस्ट और कौन सी है सबसे पुरानी? ओडिया है, 2014, तमिल पुरानी है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, फर्स्ट स्कीम मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। इट इज इन द पार्टनरशिप ऑफ, इट इज इन द पार्टनरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टू मेक द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल। व्हाई आर यू नॉट राइटिंग? एक्सेसिबल टू बोथ वर्चुअल एंड रियल टाइम विजिटर्स। वर्चुअल एंड रियल टाइम विजिटर्स टू अंडरस्टैंड द इंडियाज डाइवर्स कल्चर। टू मेक द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल टू वर्चुअल एंड रियल टाइम विजिटर्स। कल्चर, डाइवर्स कल्चर। नेक्स्ट, इट इज पैन इंडिया, पैन इंडिया मतलब अक्रॉस इंडिया। इट इज पैन इंडिया, PAN, पैन इंडिया इनिशिएटिव अंडर नेशनल मिशन। इट इज पैन इंडिया इनिशिएटिव अंडर नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, कल्चरल मैपिंग, मैपिंग MAPPING, मैपिंग, मैप, सॉरी। क्या समझे इसमें, क्या होता होगा स्कीम में? कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, तो रियल टाइम और वर्चुअल। हम कोई भी मॉन्यूमेंट्स आप विजिट करते हैं तो हमको ऐसा कैसेट मिल जाता है कि आप जिस पॉइंट पे जाओगे उसकी हिस्ट्री सुनाई देगी आपको। तो ये सारी स्कीम्स इसके अंदर आती हैं। कुछ मैप समझ में नहीं आ रहा, कोई मॉन्यूमेंट हम पहली बार विजिट कर रहे हैं, मोस्टली फॉरेनर्स यूज करते हैं, बट हम भी कर लेते हैं, ठीक है, ये सारी स्कीम्स इसके अंदर है। नेक्स्ट लिखो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अच्छा हाँ, हम सिर्फ मेन मेन पढ़ रहे हैं और अब जो न्यूज में आएगी वो डालेंगे इसमें, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स।
फर्स्ट पीएम प्रणव। प्रणाम का फुल फॉर्म है बट नहीं आता, पीएम प्रणाम के नाम से आती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो तो एनकरेज। बैलेंस्ड यूज ऑफ, बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स टू एनकरेज, बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स अलोंग विद बायो फर्टिलाइजर्स, अलोंग विद बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स अलॉन्ग विद बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट, दिस स्कीम विल हैव नो सेपरेट बजट, दिस स्कीम विल हैव नो सेपरेट बजट एंड इट विल बी अंडर सेविंग्स ऑफ एंड इट विल बी अंडर द सेविंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी, एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी। रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, एग्जिस्टिंग सेविंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो इसका एलोकेशन बजट में अलग से नहीं होगा, जितना पैसा सब्सिडी के लिए मिलता है उसी का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अराउंड 50% ऑफ सब्सिडी विल बी पास्ड, 50% ऑफ सब्सिडी विल बी पास्ड फॉर दिस स्कीम। फर्टिलाइजर तो जो 100% सब्सिडी मिलेगी उसका 50% इस स्कीम के लिए जाएगा अलोन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी, इसके अंदर ही है मिनिस्ट्री के। नेक्स्ट, नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी, हाँ पीएम प्रणव के बाद, नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023। नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023, फर्स्ट पॉइंट, द गोल इज टू बिकम ग्लोबल लीडर इन मेडिकल डिवाइसेस, ग्लोबल लीडर इन मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन, मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन। एंड फोकस ऑन मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन एंड फोकस ऑन पेशेंट नीड्स एंड टू अटेन 10 to 12% एंड टू अटेन 10 to 12% ऑफ मार्केट शेयर बाय 2030। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो डेडिकेटेड, इट इज ऑल्सो डेडिकेटेड फॉर द क्रिएशन ऑफ
डेडिकेटेड फॉर द क्रिएशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। हो गया। नेक्स्ट लिखो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अभियान मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट भारत, सिक्स जी मिशन और विजन। इसका हाँ मैं तो फर्स्ट स्कीम है इसके अंदर, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर। इतनी मेहनत नहीं लगेगी, नाम पता लग गया तो अब इसका क्या मिशन होगा कि 6G लाना है अपने इंडिया में, है ना। नहीं लिखना, सिर्फ नाम ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लिखो सीबर्ड ऐप, कॉल बिफोर यू, सी सीबर्ड तो इसका मतलब है कॉल बिफोर यू, और इसका है डीआईजी। ठीक अब इसका नाम देख के नहीं पता चलेगा तो इसके बारे में लिखेंगे, इट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, इट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। ठीक मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट पॉइंट, टू एनकरेज मिनिमल, टू एनकरेज मिनिमल और नो डैमेजेस, मिनिमल और नो डैमेजेस। शुरू से बोलो, टू एनकरेज मिनिमल और नो डैमेजेस, टू अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड एसेट्स, टू अंडरग्राउंड एसेट्स व्हाइल कैरिंग आउट, व्हाइल कैरिंग आउट एसेट्स, व्हाइल कैरिंग आउट डिगिंग एक्टिविटीज। आप पता चल गया, डिगिंग एक्टिविटीज, जब लाइन डालने के लिए रोड को खोदा जाता है तो उसके अंदर तुम कुछ और खराब नहीं कर दो, सीवर लाइन या कुछ, उसका ध्यान रखता है ये। ठीक है, कैसे यूज होता होगा ये तो ऐप है। अच्छा ऐप कैसे वर्क करता है, उस पर डिटेल्स होती हैं, जो यूज कर रहा है, जो डिग करेगा वहां पे उसके पास डिटेल्स होती है, वो ऐप में अपडेट करता है। और ये कोऑर्डिनेशन किसके बीच में रहता है, अगर हमें को यहाँ का प्रोजेक्ट मिला है तो मैं यहाँ का देखूंगा उसमें जो डिटेल्स है, फिर दूसरे में देखूंगा डिटेल्स किस बात की कि अंदर और क्या क्या लाइन्स हैं जो मुझे डैमेज नहीं करनी है वेल डिगिंग। ठीक है, सिविल एविएशन का भी एक कर लेते हैं, बस उसमें एक ही है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नेक्स्ट, उड़ान 5.0। उड़ान स्कीम क्यों लाए थे, कि सबको प्लेन में बैठने का मौका मिलना चाहिए, है ना। उड़ान का फुल फॉर्म क्या था, उड़े देश का हर आम नागरिक, हर नागरिक, हर को 2,000 की टिकट मिल रही थी तो सबने ही ले ली थी, बेसिकली एक लाइफ टाइम क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि प्लेन में बैठने की आज तक मिडिल क्लास की एक इच्छा रहती है, इसलिए तब करा था, अब नहीं करते तो अभी ये दोबारा 5.0 के तरीके से लाए। क्यों नहीं करते, सिविल एविएशन पे बहुत ज्यादा
लोड आ गया था, ठीक है, तभी इंडिगो की फ्लाइट्स बहुत महंगी हो गई थी बीच में, 18-18% महंगी हो गई थी। टिकट की प्राइसेस में जितनी महंगी, यहाँ से तुम लद्दाख पहुंचोगे उसमें तुम दुबई का राउंड ट्रिप ले लोगे, इतनी महंगी है अभी भी, ठीक है। आज जाके देखना तुम्हें पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। तुम जम्मू कश्मीर की टिकट बुक करोगे, देहरादून भी जाओगे इवन, तो उससे सस्ते में तुम दुबई पहुंच सकते हो, बट फर्क इतना, दुबई पहुंच के बहुत खर्चा होगा, ठीक है। तो इसमें नए पॉइंट्स क्या लिखो, द प्रीवियस लिमिट वॉज 600 किलोमीटर्स फॉर स्टेज, स्टेज लेंथ 600 किलोमीटर्स फॉर स्टेज लेंथ विच हैज बीन रिमूव्ड। एंड अलाउड फ्लाइट्स विद एनी डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, बिटवीन द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, एयरलाइंस मस्ट स्टार्ट ऑपरेशंस विद इन 4 मंथ्स ऑफ रिसीविंग द रूट RUTE रूट अवार्ड 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 डाउन फ्रॉम द प्रीवियस डेडलाइन ऑफ 6 मंथ्स डाउन फ्रॉम द प्रीवियस डेडलाइन ऑफ 6 मंथ्स अभी 5.0 है, मतलब 5 बार रिन्यू हो चुकी है। तो फर्स्ट स्कीम कब आई होगी, 2017 में आई थी, मतलब उड़ान कब स्टार्ट हुआ था, 2017 में। नीचे लिख लो कि उड़ान वाज स्टार्टेड इन 2017। इसके फीचर्स पता चल गए, सब उड़े, ठीक है, और टिकट्स की प्राइस कम हो जाएगी, और क्या क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, लोगों को इधर से उधर जाने का मौका मिलेगा, पैसे यहां से मैं वहां जा रही हूँ पैसे खर्च करूंगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। ऐसा एक और पढ़नी है मिनिस्ट्री की, बस करें। बात कर लीजिए। ठीक है, थर्टी फाइव है अभी, तो कितनी हुई है, 6 हुई है, 7 हुई है अभी। एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज वाली बाकी है, फिशरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा टारगेट है 2025 तक हम लोग जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं फिशेज वगैरह हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, तो हम उसका एक्सपोर्ट बढ़ाकर सबसे फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। और होम अफेयर्स बची है अभी, तो फाइनेंस बची है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट बची है, हाउसिंग बची है, ये हाउसिंग वाला आवास योजना, जल शक्ति, MSME मिनिस्ट्री, सारी इंपॉर्टेंट बची है तो बहुत कम है, रेलवेज बची है। दो क्लासेस और लगेंगी, कल का क्या है, तुम लोग नहीं होगे करंट अफेयर्स की क्लासेस में, तुम्हारी एक ही क्लास होती है सैटरडे को, छुट्टी संडे को होती है ना, तो आते हो तुम कंपलसरी है। हाँ, कंपलसरी मॉक तो आना ही है, कितने, 3 घंटे का, तो छुट्टी हुई ना, दो दो घंटे तो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, तुम लोग सब दूर रहते हो क्या। अच्छा।
अच्छा, ये अपार्टमेंट्स में रहता है अकेले के पेरेंट्स भी रहते हैं? अच्छा, तो फिर कल ऑनलाइन करें फिर सुबह क्लास, तो फिर अटेंड करोगे तो होगी। और ये जो मिस कर रहे हैं ना क्लास की, हम 1 घंटे बाद आएंगे, 9 बजे नहीं आ सकते, हम 10 बजे ही आएंगे, फिर 1 साल दोबारा मिलोगे तुम नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट ईयर का दिसंबर में एग्जाम देना। तुम चाहते हो एमिटी में तुम्हारी लॉ ग्रेजुएशन हो, एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो कि एनएलयू जाना चाहते हो? तो बस फिर टारगेट थोड़ा सही रखो अपना, कि प्राइवेट में जाके 30-40 लाख की, फिर 5 लाख की नौकरी नहीं करने पड़े। ये सारी मिनिस्ट्रीज जो आज पढ़े हैं ये लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास कब होगी जीके की? कल बोली है मुझे तो। सारी हाँ, तो नाम ही तो याद करना है। सिर्फ हाँ बस, कौन सी किस्म है, उत्कर्ष किसका पार्ट है, जागृति किसका पोर्टल है, नाम पता चल गया तो पता ही चल जाएगा, एक बार ही तो रीड लगाओगे। और अब तुम्हारे मॉक वाले दिन तुम सब प्रेजेंट होते हो, तो फिर तभी करंट अफेयर्स का भी टेस्ट लेंगे। जो मिस कर रहे हैं ना क्लासेस में, पता चलेगा कितने मार्क्स आते हैं। ऑनलाइन अटेंड कर लो, अगर इतनी दूर नहीं आ सकते, इतना क्या आलस है कि 9 बजे भी नहीं उठ पा रहे हो? एक तो ड्रॉपर्स हो, मम्मी पापा सोने कैसे देते हैं? फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर पूरा साल तुम ताने सुनने में निकालोगे कि कुछ होता नहीं है, 9 बजे सो के उठता है। अच्छा अभी नहीं।